बिहार इन दिनों पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है। सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से जनता को समझाने की कोशिश करने में जी जान लगा रखी है। राजधानी की सड़कें जहां पोस्टर से पट गई है, तो वहीं विपक्षी पार्टी हर पोस्टर पर विवाद खड़ा करने में कोई चूक नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। इसी क्रम में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि जदयू यानी नीतीश कुमार के द्वारा जो भी चुनावी पोस्टर लगाए गए हैं उसमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे कभी खाने का निमंत्रण देकर थाली खींच लिया था, जिसे कभी बाहरी कहा गया था, जिसने DNA जैसे शब्दों से कभी गाली दी थी, आज उन्हीं के सहारे वह अपनी नैया पार कराने की जुगाड़ में है। जिस व्यक्ति ने थाली खींच लिया था, आज वो व्यक्ति पोस्टर लगवा रहे हैं सरकारी खर्चे पर, सरकारी जगहों पर, उसमें चुनाव सिंबल नहीं है क्योंकि सरकार उसका पैसा दे रही है। दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोला करते हैं, ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। पूरा ये भी बता देना चाहिए उन पोस्टरों में कि DNA पे सवाल प्रधानमंत्री जी ने उठाया था, जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, DNA ठीक है कि नहीं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई सरकारी खर्चा पे विज्ञापन दे रहे हैं। अब ये स्थिति उस व्यक्ति की आ गई, हताश निराश हार चुके हैं, अब उनको मोदी जी का सहारा लेना पड़ रहा है। वही मोदी जी का सहारा लेना पड़ रहा है जिसको ये बाहरी कहते थे, क्या बाहरी लोग आकर के संभालेगा बिहार। अब मोदी जी का सहारा, तो आप समझ सकते नीतीश जी की स्थिति जो है बड़ी नाजुक है। जिसका थाली खींचा, जिसका DNA का गाली सुना, जिसके हाथ उठाने पे आपत्ति रहा, आज उसी का सहारा वो भी सरकारी खर्चे और पैसे पर ये करवा रहे हैं, पता चल जाएगा। अब जाहिर है देखिए खुशी किसका है, प्राइवेट का है, जितने भी होर्डिंग पोस्टर है सरकारी खर्चे पे। तो हमको तो इस तरह का कैंपेन जब अनऑफिशियली जब चलाते हैं नीतीश जी सरकारी खर्चे पे, तो मेरा मनोबल और ऊंचा हो जाता है और ये विश्वास हो जाता है कि नीतीश कुमार हार मान चुके हैं, तो हताश के बेचारे। निश्चित तौर पर अब समय आ गया है आरोप प्रत्यारोप का। सभी पार्टी एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे ही, क्योंकि चंद दिनों के अंदर बिहार में चुनाव की घोषणा होनी है। नेता प्रतिपक्ष को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अपनी मुद्दाओं को हर हाल में सबसे अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की। पटना से लाइव इंडिया के लिए समर कुमार डे और अजीत के साथ हीरालाल की रिपोर्ट।